आई एम सॉरी। हम मर गए क्या? अरे तुमने बंदूक की गोली खाई या अफीम की? तुम्हें हम क्या यमराज दिखाई दे रहे? बंदूक की गोली लगने की वजह से आपकी दोनों किडनियां डैमेज हो गई और कोई डोनर भी नहीं मिल रहा, इसलिए तुम्हें सॉरी कहना पड़ा। पर डॉक्टर साहब कोई और रास्ता तो होगा? एक रास्ता है, आपके और आपकी माँ का ब्लड ग्रुप तुमसे मैच करता है, लेकिन उनकी सेहत देखते हुए वो आपको किडनी नहीं दे सकती। हाँ, एक डोनर है लेकिन वो पैसे बहुत मांग रहा है, आप शायद वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मिस्टर अजय, आई एम रियली वेरी सॉरी, आपके साथ जो कुछ भी हो वो बहुत गलत हुआ। देखिए, लेकिन अब जो हो चुका है उसे हम वापस तो ले नहीं सकते, लेकिन आप घबराइए मत, हम आपसे वादा करते हैं कि करिश्मा सिंह के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हाँ अजय जी, हम भी बहुत शर्मिंदा हैं। ये करिश्मा जी हैं तो हमारी बहू रानी, मगर उनके गर्म मिजाज की वजह से हम भी बहुत परेशान हैं। अब क्या बताएं हम आपको। देखिए, ये सॉरी वगैरह से काम नहीं चलेगा, अगर ज्यादा देर हो गई तो हमें भी आपको सॉरी कहना पड़ेगा, इनकी जान भी जा सकती है। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए, गोली लगने की वजह से इनकी दोनों किडनियां डैमेज है और इंटरनल ब्लीडिंग भी ज्यादा होगी। अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं होगा तो इनकी जान को खतरा भी हो सकता है। पर डॉक्टर साहब कितने पैसे लगेंगे? 25 लाख। 25 लाख? इतने पैसे हम कहां से लाएंगे? छोटू, 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 तू ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब, मेरा छोटू ठीक तो हो जाएगा ना? उसको कुछ नहीं होगा ना? तो क्यों परेशान लग रहा है? बिल्कुल चिंता मत कर बेटा, हम है ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तू क्यों रो रही है? मत रो, हम कुछ नहीं होने देंगे छोटू को, हम है ना, कुछ नहीं होने देंगे। माँ जी, अगर पैसे नहीं मिले तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। बोल, छोटू को कुछ नहीं होगा, हम है ना। डॉक्टर साहब, आप पैसे की चिंता मत करना, आपको पैसे मिल जाएंगे, बस हमारे छोटू को ठीक कर दीजिए, हम अपना घर भेज देंगे। अम्मा। हाँ बेटा, हमने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, बदतमीजी की, बदसलूकी की, घर से बेदखल कर दिया, यहाँ तक कि वृद्धाश्रम के लिए भी पता करके आए, और आज जब ये घर तेरे नाम हो गया है तो तू इस नलायक बेटे के लिए वो बेचना चाहती है। चुप पकड़, घर तो तब घर होता है जब उसमें परिवार बसता है। जिस घर में तू ही नहीं छोटू, उस घर का मैं क्या करूं? वो घर तो हमारे लिए बस ईंट और पत्थर का ढांचा है बेटा, उस घर की कोई कीमत नहीं है तेरे सामने छोटू। बस तू ठीक हो जा मेरे बच्चे। सावित्री जी, एक बार फिर सोच लीजिए आप, कहीं ऐसा ना हो कि ठीक होने के बाद आपका औलाद फिर से रंग बदल दे, या फिर से आप दर दर की ठोकरें खाएंगी। सोचने की जरूरत ही नहीं है बेटा, हमारे बच्चों के सामने हमारे लिए घर कुछ भी नहीं है, और उनकी खुशियों के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सावित्री जी, इन्होंने आपके साथ इतनी बदसलूकी की, पहले धोखे से आपका घर खुद के नाम करवा लिया और फिर आप ही को अपने घर से निकाल दिया। आप अभी तक माँ नहीं बने हो ना बेटा, इसीलिए माँ की ममता की गहराई आप समझ नहीं पा रहे हो। जिस दिन माँ बनोगे सब समझ में आ जाएगा। और हमारा क्या है, हम चले जाएंगे वृद्धाश्रम। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारे बच्चों को कोई भी तकलीफ हो। काश वक्त का पहिया घुमाने की क्षमता होती हम में। अतीत में जाकर अपनी सारी गलतियां सुधार लेते। ठीक है, हाँ तो घुमा देते हैं वक्त का पहिया, कर देते हैं समय को थोड़ा पीछे। तुम्हें कुछ नहीं हुआ अजय, तुम बिल्कुल ठीक हो। इनफैक्ट तुम्हें जो गोली लगी थी वो नकली थी। हाँ। देखिए करिश्मा सिंह, हम इस प्लान से सहमत तो नहीं है। मैडम से फिर आप ही बताइए, आपके पास इस प्रॉब्लम का कोई दूसरा हल है? अरे कुछ ना करना छोटी, अजय सिंह के गोली मार दे। अजय, जब हम छोटे होते हैं तो हर बात के लिए अपने माँ बाप पर निर्भर होते हैं, उनके बिना एक कदम नहीं उठा पाते। वो हमें सब कुछ सिखाते हैं, चलना फिरना, पढ़ना लिखना, कभी डांट कर कभी प्यार से। लेकिन इस सब के बीच भी वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। माँ बाप का बुढ़ापा उनके दूसरे बचपन की तरह ही होता है। तो क्या हुआ अगर तुम्हारी माँ गैस खुला रखकर भूल गई? ये तुम्हारा काम है उन्हें समझाना, उन्हें सिखाना, कभी प्यार से तो कभी डांट के। लेकिन इस सब में उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। माँ बाप की जिंदगी का आखिरी पड़ाव आरामदेह और सुखद हो, ये हर औलाद का फर्ज है। हमें हमारी गलतियों का एहसास हो गया है हसीना जी। हसीना जी, हम आपसे वादा करते हैं, अब से हम माँ जी को वही प्यार, वही सम्मान और वही इज्जत देंगे जो हमें हमारे लिए चाहिए। हाँ, अब हम मम्मा का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और सावित्री जी, आप जिस आत्मविश्वास और रौब के साथ अपने अपने बेटे को घर बेचने के लिए कन्विंस किया, आवाज में वो रौब कहाँ चला जाता है जब बात खुद की हो, खुद की इज्जत की हो, प्रतिष्ठा की हो। आप जानती हैं, आपके बेटे ने जो कुछ भी किया वो सीनियर सिटीजन्स 2007 एक्ट के तहत एक जुर्म है। आप चाहें तो अपने बेटे से अपनी आर्थिक स्थिरता का हक मांग सकती हैं और वो आपको मना नहीं कर पाएगा। लेकिन अफसोस ये बात आम जनता नहीं जानती और माँ बाप अपने बच्चों के घटिया व्यवहार से डर डर के रहते हैं। सावित्री जी, खुद का सम्मान करिए तो दुनिया आपका सम्मान करेगी। आपकी बात बिल्कुल सही है बेटा। धन्यवाद, आज आप दोनों की वजह से हमें हमारा परिवार वापस मिल गया। और आज भगवान ने सिर्फ हमें हमारा छोटू ही नहीं, आप जैसी दो होनहार काबिल बेटियां भी दी है। हमारा कुछ बुरा नहीं हो सकता। बस मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि भगवान उनका आशीर्वाद हमेशा आप पर बनाए रखे। अब ये चाय कौन पिएगा? करिश्मा सिंह। मैडम सर, ये केस आपके हौसले और समझदारी की वजह से सॉल्व हुआ है, इसलिए ये चाय आप पीजिए। जब ये पूरा केस माँ के सम्मान और प्यार की बात का है तो इस पे सबसे पहला हक सिर्फ आप ही का बनता है। लीजिए लीजिए। क्या बात है करिश्मा सिंह, पीजिए पुष्पा जी। इस थाने की इतने दिनों बाद पहली चाय अपनी बहू के हाथ से पीजिए। हाँ वो लल्ला फोन कर रहे थे बार बार, थाने का फोन खराब है, हमको बोले आपको मैसेज देने के लिए। एक बात बताएं पुष्पा जी आपको, हमसे भले ही फोन पे लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, लेकिन आपका हाल पूछना कभी नहीं भूलते। हमारे लल्ला का फोन आया था, हमें पता था हमारा लल्ला हमें कभी भूल ही नहीं सकता, लाखों में एक है वो। हम जानते हैं आपका लल्ला लाखों में एक है। ये पकड़िए, ये जो आप वृद्ध आश्रम जाने का सोच के बैठी हैं, अपनी एफडी तुड़वा के बैठी हैं ना, उसके लिए। आपको क्या लगता है पुष्पा जी, आपका पीछा हमसे इतनी जल्दी छूट जाएगा? नहीं नहीं, हम इसे नहीं ले सकते। तो मेरे नाम करा दो पुष्पा जी। उफ, ये मासूमियत। आप लेती हैं या नहीं? हाँ, और ये दिमाग से ना ये घटिया बात सोच के बैठी है ना आप घर से जाने का, ये निकाल दीजिए बिल्कुल। बहुरानी किसकी है? पुष्पा जी, आपकी बहुरानी गर्म दिमाग है, बात बात पर बवाल कर देती है, पर इतनी बुरी भी नहीं है। चलिए अच्छा मैडम सर, कभी तो अच्छे लगे आपको। सिर्फ दिल से। एसएचओ के हिसाब से अब भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बाकी है। जय हिंद सर, एसएचओ करिश्मा सिंह रिपोर्टिंग सर। जय हिंद। और बताइए करिश्मा सिंह, क्या चल रहा है? सर बस इंतजार चल रहा है कि कब आप हमको टेम्परेरी से परमानेंट एसएचओ बना देंगे और हम अपना थाना अपने तरीका से चला पाएंगे। जहाँ तक हमें रिपोर्ट मिली है कि आपने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किया है, बात बात में किसी के ऊपर गुस्सा हो जाना, भड़क जाना, वो क्या कहते हैं ना कि किसी को भी कंटा बजा देना, है ना? हमें जहाँ तक ऐसा लगता है कि क्या कचौरी है। क्या हुआ सर? नहीं नहीं, यही कह रहा था कि कचौरी बहुत स्वादिष्ट है। जी सर। हम कह रहे थे कि अपने आप संयम रखिए, मेडिटेशन कीजिए, जिससे गुस्सा बहुत कम हो जाता है। एक बार हम खाने पे आएंगे ना तो आपको मेडिटेशन सिखाएंगे। अरे भाई जिम्मेदारी बड़ी है तो जिम्मेदार बनिए ना। चलिए रखते हैं, जय हिंद। कौन है घर का भेदी? कौन है जो यहाँ का सारा खबर वहाँ पहुँचाता है? कौन करता है हमारा शिकायत? मैडम हमसे हमारा रोमांस नहीं संभलता है मैडम, हम चुगलखोरी कैसे संभालेंगे? ये किसी और का डिपार्टमेंट है, समझिए। ए संतु, तुम पहुँचाती हो खबर डीएसपी साहब को? मैं नहीं नहीं मैडम, मैं तो खुद सच के कैसे परेशान रहती हूँ हमेशा, मैं कहाँ चुगली करूंगी? नहीं मैडम, मैडम ये नहीं की होंगी, हम जानते हैं इनको, बहुत अच्छा से जानते हैं। वैसे मैडम हम लोग जो किया होगा वो पकड़ा जाएगा ना मैडम? अभी सुबह सुबह हम लोग नाश्ता करते हैं, हैं? कल आई हैं पुष्पा जी आप? गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। गजब, गजब हो गया, गजब। मतलब गजब का बात है कि आप यहाँ गर्मा गर्म कचौड़ियाँ लाई हैं और वहाँ डीएसपी साहब भी कचौड़ियाँ खा रहे थे। इसको कहते हैं कोइंसिडेंस। हमें ऐसे क्यों लग रहा है पुष्पा जी कि कचौड़ियों के साथ साथ आप खबर भी पहुंचा देती हैं डीएसपी साहब को? शौक से थोड़ी ना गए थे, डीएसपी साहब ने बुलाया था इसलिए गए थे। अब जो पूछा बता दिया। हाँ तो इसको चुगली कहते हैं पुष्पा जी, आपको पता है ना, ड्यूटी कहते हैं इसे। डीएसपी साहब है वो, हम सबके सीनियर, अब उनका ऑर्डर तो मानना पड़ेगा ना। अब कुछ पूछेंगे तो बताएंगे भी नहीं, फिर भी रख 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 इधर। वो झूठी हो गई। क्या झूठ कहा, क्या झूठ कहा, सच्ची तो कहा हमने। अच्छा तो सीनियर तो हम भी है यहाँ पर आपके, और हमारा ऑर्डर फॉलो करना भी आपका ड्यूटी है। इसलिए अब से 1 सप्ताह के लिए आप बैठिए अपने घर पर, और जब तक हम अगला ऑर्डर नहीं देते हैं थाने आने का जरूरत नहीं है आपको। आप हमें सस्पेंड कर रही हैं? कर दिया, तत्काल प्रभाव में। क्या? हम हसीना मैडम से बात करेंगे। कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि वो भी एसएचओ है, हम भी एसएचओ हैं। जितना उनके ऑर्डर का प्रभाव है ना, उतना ही हमारे ऑर्डर का प्रभाव है। और वैसे भी आपको सस्पेंड करने के लिए ना पुष्पा जी, आपका सीनियर होना काफी है जो हम बहुत पहले से बने बैठे हैं। चलिए, अभी 12:50 का बस मिल जाएगा, उसमें सीनियर सिटीजन का सीट भी मिल जाएगा। चलिए जाइए। सच में जाएं हम? पुष्पा जी चुपचाप सामान समेट कर निकल जाए, नहीं तो हम लोग को भी साथ में निकलना पड़ जाएगा, समझिए प्लीज। अरे वो, अरे कितना नौटंकी करती है मैं। क्या कचौरी लेके? अच्छा, कचौड़ी खाने आते हो थाने में या काम करने आते हो? कचौरी नहीं, काम करने आते हैं मैडम। तो जाके करो ना। हाँ मैडम। जय मैडम। जय हिंद। जय हिंद। पुष्पा जी कहाँ है? वो करिश्मा मैडम ने पुष्पा जी को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया। अब भी जस्ट तत्काल भोकाल में। क्या? क्यों? मैडम सर 1 हफ्ते से रोज रात को 3 बजे हमें उठाती है और अपने पैर दबाती है। इस उम्र में भी एक छुट्टी नहीं ले रही है। इतना समझाएं हम उन्हें कि थोड़ा आराम कर ले, एक छुट्टी ले ले, लेकिन नहीं समझ रही, तो कर दिए हम सस्पेंड। अब जाएंगी, थोड़ा आराम करेंगी ना, तो एकदम फ्रेश होकर वापस आएंगी हम सबको परेशान करने के लिए। ठीक है, अच्छा किया। अरे चुप रहो तुम, तुमको तो शर्म भी नहीं आता? चोरी करके हमारे सामने खड़ी हो। नो 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 नो, वेरी बैड। मैं चोरी करूंगी? इसकी शक्ल देखिए जरा, शक्ल पे लिखा कितनी बड़ी चोरी है। क्या महिमा लगा रखे हो? अरे तुम चलो, झगड़ा चल रहा है, जाओ जाओ घर जाओ, घर जाओ। और हाँ, अगर यहाँ रहना है, झगड़ा देखना है तो बिरयानी खानी पड़ेगी। अभी ये देखने का ना चाय पीना पड़ता है। देखो देखो देखो, अरे हमारा साड़ी किसने चुराया? तुमने चुराया। ये लो कमबख्त हो और देखो। मुझे क्या जरूरत पड़ी है इसकी साड़ी चुराने की? अरे इसने तो मेरे गैजेट्स चुरा लिए हैं, तुमने मेरी रिस्ट वॉच चुरा ली। सुनिए सुनिए, अरे अरे हम तुम्हारा गैजेट चुराए, हमारा नेकलेस कौन चुराया? तुम चुराई। और ये जो तुमने मेरी पूरी की पूरी वैनिटी किट चुरा ली, उसका कुछ नहीं? अरे तुम हमारा सेट भी चुराई हो, और ये जो लिपस्टिक लगाई है ना, ये कैक की लिपस्टिक है हमारी, 2000 रुपए की। और ये जो बाल में तुम्हारा सीरम है ना, ये भी हमारा है। देख रहे ना मोटी वाली भाभी, यही जीतेंगी। 200 की शर्त ये लो। ये ले रहे 1000 रुपए, पकड़, जीतेगी तो नूडल वाली। अरे ये क्या हो रहा है? बस कीजिए। अरे रुको 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 रुको, क्या हो क्या रहा है? बस करिए आप लोग। अरे दीदी क्या कर रही हैं आप? खबरदार, जो एक कदम भी एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ाया तो। अभी हमने रोक दिया, लेकिन हमको रोकना मुश्किल हो जाता है। अरे यार, पूरा मजा खराब कर दिया। थोड़ी देर से नहीं आ सकते थे बीच बचाव के लिए? क्या तरीका ये एक दूसरे से लड़ने का? यहाँ पर थाना है, हम लोग यहाँ से आकर बात करिए। औरत होकर इस तरह लड़ रहे, अच्छा लगता है क्या? ऐसे तो हम चोर भी नहीं लड़ते। बिल्लू कहीं नहीं। क्या हुआ, क्या हो गया आप लोगों के बीच? अरे हमसे काहे पूछ रहे हैं, इससे पूछिए। ई है सारी फसाद की जड़, ई की है सब चोरी, इसी की वजह से हुआ है सब कुछ। हमने किया है सब कुछ? इंस्पेक्टर साहब, Just look at my face. आपको लगता है मेरी जैसी इतनी क्लासिक फीमेल इसके मुंह लगेगी? आई बड़ी क्लासी, चोर गई की। देखो मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने मुझे फिर से चोर कहा ना तो, वरना क्या करेगी तू? तो? मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। आप लोग, तू मेरा मुंह नोचेगी और मैं तेरी शक्ल देखूंगी। चुड़ैल गई की। चुड़ैल? अरे बाप रे बाप, ऐसा नहीं देता, ऐसा गलत बात है। तुमने मुझे चुड़ैल बोला? हाँ, मैंने तुझे चुड़ैल कहा, और मैं तुझे भूतनी भी कहूंगी। तुमने खुद का भी अपनी शक्ल देखी है शीशे में? एक नंबर की मेकअप की पुती हुई दुकान हो तुम। हम पुती हुई दुकान? एक भी लफ्ज तुम्हारे दोनों के मुंह से निकला तो हवालात में डाल देंगे सीधा। टोपा कहीं की दोनों बैठी बैठी प्लीज जी। हाँ बताइए मामला क्या है। अरे मामला क्या होना है मैडम जी। अरे चलती है वो चल मुकली सीना हमसे। अरे बिल्कुल उससे बर्दाश्त नहीं होती हमारी खूबसूरती, हमको मालूम है ना। शी इज राइट, शी इज एब्सोल्युटली राइट मैडम। कुर्ती है इनसे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती शीना से इनकी खूबसूरती। देखिए मैडम जलती तो वो मुझसे है। जस्ट लुक एट मी, माई क्लास, माई स्टाइल, माई फैशन सेंस, माई फॉलोअर्स, माई फैंस। शी इज टोटली जेलस ऑफ मी। वही तो मैडम, फैसला पहले इनके फॉलोअर्स देखकर जल बुनकर कबाब होती रहती है वो। मैडम ये देखिए, ये हमारे सेड्स हैं। हाँ? अरे सेड सेड शेड्स। हाँ सेड्स। ये देखिए देखिए पूरे 15,000 रुपए के। हम जब दिल्ली गए थे ना, हम वहाँ से लेकर आए थे पूरे 4 घंटे की बार्गेनिंग के बाद। देखिए देखिए हमारे फोटो में देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं हम। अरे जैसे हम फोटो खींच के फैंस्टा पे डाले गायब। कहाँ गायब हो गए? कौन किए गायब? कौन किया? अजी और कौन, शीना ने। उसी ने चुराए होंगे इनके शेड्स। हाँ जेलस कहीं की, नर्क में जाएगी देखना। हाँ नर्क में जाएगी सीधा। अरे नर्क में तो उसकी सीट ऑलरेडी रिजर्व हो चुकी है। वेट आई शो यू, जस्ट सी दिस गोल्ड प्लेटेड 30,000 rupees. Can you guys beat that? I mean, why would I steal hers? क्या मतलब दीदी? अरे ये उसका क्यों चुराएगी? अरे हाँ मैडम कोई जरूरत ही नहीं है। अरे कोई भी देखकर कह सकता है कि प्लेटेड में कितनी गॉर्जियस, कितनी अमेजिंग दिखती हैं ये। बस यही उस पिंकी की बच्ची से बर्दाश्त नहीं हुआ, चुरा लिया इनका प्लेटेड। Exactly. मतलब जरा सी भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती उससे। मतलब आपके कहने का मतलब है कि आपकी बीवी की जो चीजें हैं वो आपके पड़ोसी पिंकी ने चुराया है। क्या बात कर रही है मैडम, पिंकी तो मेरी वाइफ है। क्या? अरे ये थोड़ी ना है मेरी वाइफ। मेरी वाइफ तो वो शीना है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.